क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बड़े मियाँ छोटे मियाँ का ट्रेलर फ्लॉप हो चुका है। ये फिल्म भी अब रिस्की प्रोजेक्ट लग रही है। पता नहीं फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी। बड़े मियाँ छोटे मियाँ के ट्रेलर पर बिल्कुल व्यूज ही नहीं आए। वो तो आने ही नहीं थे क्योंकि ट्रेलर ही एवरेज था, ट्रेलर ही इतना अच्छा नहीं था, ट्रेलर में ही पूरी फिल्म दिखा दी एटसेट्रा एटसेट्रा। गाइस ये वो सवाल है या ये वो क्वेश्चन है या ये वो वर्ड्स है जो कि कल ट्रेलर के आने के बाद से बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं। या तो गाइस बड़े बड़े यूट्यूबर्स यूज कर रहे हैं, बड़े बड़े क्रिटिक्स यूज कर रहे हैं, या भाई साहब बहुत से ऐसे लोग हैं, फैंस हैं, वो यूज कर रहे हैं। तो क्या सचमुच ऐसा है? गाइस देखो मैं एक बात बोलूंगा ना यहां पर, ये सारा रेस्पॉन्स देकर बड़ा अजीब सा लगा। उसकी रीजन भाई देखो, ट्रेलर पर सबसे पहले ट्रेलर पर भले ही व्यूज कम है लेकिन आप साथ इस चीज को भी तो जोड़ो ना कि भाई सब सारे ऑर्गेनिक व्यूज हैं। कम है, लगभग 10 मिलियन भी नहीं आए, 9 मिलियन समथिंग थे, लेकिन आप ये चीज भी तो साथ जोड़ो कि ये ऑर्गेनिक व्यूज है, एड्स नहीं लगाए गए। मेकर्स एड्स लगा के भाई सब ट्रेलर की व्यूज को 50 मिलियन तक भी लेकर जा सकते थे लेकिन नहीं गए। दूसरी जो सबसे बड़ी रीजन है गाइस, जिस वजह से मुझे लगता है व्यूज नहीं आए, देखो ज्यादातर क्या है ना भाई साहब, इंस्टाग्राम पर बहुत ऑडियंस बैठी है, ट्विटर पर बहुत ऑडियंस बैठी है। तो भाई साहब इस फिल्म के जो स्टार्स हैं, अक्षय कुमार, टाइगर ले लो, पृथ्वीराज सुकुमारन, अली अब्बास, जफर पकड़ लो, इन सारों ने अपने ट्रेलर्स बाकी सारे सोशल मीडिया पर भी भाई साहब डाल दिए। अब देखो आप ट्विटर पर अक्षय ने भी ट्रेलर को पोस्ट किया, वीडियो पूरी पोस्ट की, भाई साहब अली अब्बास जफर ने भी पोस्ट की, भाई साहब उसके बाद अपना क्या बोलते हैं टाइगर ने भी पोस्ट किया। अब आप मुझे सिंपल सा आंसर दो ना, एक ऐसा पर्सन जो बिजी हो, आप और मैं तो भाई साहब चलो आपका तो मुझे नहीं पता, मैं तो वेला हूं, एक बात करूं ना कैसे किस तरह मैं आपको बता दूं। अब एक बंदा जो कि बिजी है, उसने बड़े मियां छोटे मियां का ट्रेलर भी देखना है और उसको ट्विटर पर भाई साहब उसके सामने आ गया, उसने वहीं पर वो ट्रेलर देख लिया, तो क्या वहां पर ट्रेलर देखने के बाद वो वापस से यूट्यूब पर आएगा, सर्च करेगा बड़े मियां छोटे मियां ऑफिशियल ट्रेलर और फिर उस पर क्लिक करेगा देखने के लिए? नहीं, जब उसने देख लिया तो उसको क्या जरूरत है वापस आने की? भाई नहीं आया जाता, ऑडियंस नहीं आती है। वही सीन हुई है कि भाई सब इस ट्रेलर को बाकी सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा शेयर किया गया है कि यूट्यूब पर व्यूज ही नहीं आए। और मेरे अकॉर्डिंग इसको मैं मिस्टेक नहीं बोलूंगा, ये एक वेल भाई साहब जो स्ट्रेटजी होती है भाई साहब प्रमोशन की, ये वो थी। बहुत से ऐसे लोग जो है ही ट्विटर पर, जो कि यूट्यूब पर है ही नहीं, भाई साहब उन्होंने ट्विटर पर देख लिया, जो लोग इंस्टाग्राम बहुत ज्यादा यूज उन्होंने उस पर देख लिया, तो कहीं ना कहीं से भाई साहब ट्रेलर बहुत ज्यादा देखा गया है। बस ये बात कहना सही होगा कि भाई साहब एक ही प्लेटफॉर्म पर अनाउंस करते कि यूट्यूब पर आएगा तो क्या पता फिर व्यूज बहुत ज्यादा आते पर सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आए। इतनी सी बात बहुत से भाइयों को समझ में नहीं आ रही और बोल क्या रहे हैं। अच्छा मुझे इससे भी बढ़कर जिस बात पर सबसे ज्यादा गुस्सा आया भाई साहब, वो पता है क्या है कि भाई साहब ये हो गया ट्रेलर नहीं अच्छा, ट्रेलर एवरेज है, इसको देखकर पता है क्या बोला जा रहा है? फिल्म गई, अक्षय कुमार की ये फिल्म भी फ्लॉप, ये हो गया वो हो गया। यार देखो मुझे समझ में नहीं आती इस ऑडियंस की। देखो गाइस ऑडियंस है ना, अब देखो ऑडियंस है तो ऑडियंस ने ही हमें यूट्यूबर बनाया है, ऑडियंस ने ही क्रिटिक्स को बड़ा क्रिटिक्स बनाया है। नहीं तो देखो मैं क्या हूं, मैं ये जो बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो तो मैं बोल रहा हूं ना, तो मैं ये सोच रहा हूं कि भाई साहब ये पब्लिक किस टाइप की है कि अली अब्बास जफर जैसे बड़े डायरेक्टर की फिल्म को भी अगर ये क्रिटिसाइज कर सकते हैं तो ये कुछ भी कर सकते हैं। मतलब इन लोगों को भूल गया था कि भाई साहब टाइगर जिंदा है में अली अब्बास जफर ने क्या किया, सुल्तान में क्या किया। भाई सुल्तान को छोड़ो, टाइगर जिंदा है में क्या किया? देखो आप अगर एक साइड से देखो तो टाइगर जिंदा है की कहानी और दूसरी साइड पर बड़े मियाँ छोटे मियाँ की कहानी, जो इनका मेन थीम है वो है कंट्री को बचाना और वो सेम है। अब आप लोग भाई साहब मुझे बिलीव है और ये बात मुझसे भी मिस्टेक हुई, मैंने अपनी लास्ट ट्रेलर से आने वाली पहले वाली वीडियोस में बोला नहीं कि भाई आप एक काम करिएगा, आप ना ट्रेलर देख लीजिएगा टाइगर जिंदा है का, आपको आइडिया हो जाएगा कि अली अब्बास जफर ने वो ट्रेलर कैसा बनाया है और फिर उसी ट्रेलर को माइंड में रखते हुए आप मूवी को माइंड में लाइएगा, आपको आइडिया होगा मूवी में कितने ट्विस्ट थे। तो एक ऐसा डायरेक्टर जिसने इंडस्ट्री को इतनी बड़ी हिट दी, सलमान खान की भाई साहब मैं कहता हूं मोस्ट पॉपुलर फिल्म टाइगर फिल्म को इतना ऊपर तक ले
लेकर गया, सुल्तान जैसी फिल्म बनाई, उसी डायरेक्टर की फिल्म को ट्रेलर देखकर क्रिटिसाइज किया जा रहा है। भाई साहब ट्रेलर देखकर, मेरा गाइस पर्सनल मैं हमेशा बोलता हूँ क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं ट्रेलर देखकर भी फिल्म को जज करता हूँ, लेकिन मैं ज्यादा कहता हूँ कि ट्रेलर जैसा भी गया भाई साहब फिल्म का वेट करो। भाई बहुत से ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स है, बहुत से ऐसे बड़े बड़े क्रिटिक्स है भाई, जिन्होंने पुष्पा के ट्रेलर को बोला था बकवास है, जिन्होंने KGF के ट्रेलर को बोला था बकवास है, जिन्होंने RRR के ट्रेलर को एवरेज बोला था, मैं और बड़ी बड़ी एग्जांपल्स आपको दे सकता हूं, लेकिन एट द एंड क्या हुआ, आज वही फिल्म्स भाई साहब इंडिया की मोस्ट हाइप और सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म्स है भाई साहब, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन यहां पर देख लो कि क्या हो रहा है, एक ऐसा भाई साहब डायरेक्टर जिसने इतनी कमाल की फिल्म रही, उसी की फिल्म के ट्रेलर को देखकर इतना क्रिटिसाइज किया जा रहा है, ये हो गया वो हो गया। भाई आप एटलीस्ट स्पोर्ट तो दिखाओ, स्पोर्ट तो दिखाओ। देखो फिर ये लोग बोलते हैं कि हमें मार्केट न्यू चीजें नहीं ला कर देती, इस फिल्म में न्यू चीजें हैं, न्यू चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भाई देखो इन लोगों, मुझे पता नहीं है इस ऑडियंस का कि ये ऑडियंस किस तरह से सोचती है। मैं भाई साहब देखो अगर ट्रेलर इससे थोड़ा सा बिलो भी होता मैं फिर भी ट्रेलर का साथ देता। खुद देखो इससे पहले वाली ये जो हमें पेट्रियटिज्म पर फिल्म देखने को मिल रही है भाई साहब, जिसपे कंट्री को बजाया जाता है, तो उसमें जबरदस्ती या तो पाकिस्तान को इन्वॉल्व कर दिया जाता है या किसी और कंट्री को, मतलब कि कहीं ना कहीं इस टाइप का विलन्स रखे जाते हैं। भाई ये फर्स्ट ऐसी फिल्म बनने जा रही है जिसमें पेट्रियटिज्म भी है और उसको भाई साहब जोड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से गया है, तो आगे फ्यूचर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। तो अगर अभी से ही 300-350 करोड़ के बजट वाली फिल्म नहीं चलती है, ऑडियंस क्रेजी नहीं होती, उसके बाद क्या होगा आगे फ्यूचर में कोई बनाएगा? नंबर टू रियल एक्शन, क्या भाई साहब आगे कोई रियल एक्शन करेगा? बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो पब्लिक सोचती नहीं है, डायरेक्ट बोल देती है किसी के कहने पर, किसी के सुनने पर। तो भाई आप खुद जस्ट आइडिया लगाओ, मैं बिलीव में एक बार फिर पब्लिक को बोलूंगा, आप जस्ट सोचो कि भाई अली अब्बास जफर ने आपको क्या क्या दिया है, और आप जस्ट ट्रेलर देकर बोल रहे हो कि भाई साहब गई फिल्म, ये हो गया वो हो गया, सब्र तो करो। हाँ मूवी कैसे निकलेगी वो नहीं पता, मूवी अच्छी निकले बुरी निकले वो तो बात की बात है ना। आप ट्रेलर भाई साहब एक मुझे, मैं इतना सिंपल से बोलूंगा कि इस साल 2024 में बड़ी बड़ी मूवीज के वजह से ट्रेलर इतने अच्छे नहीं है जितना बड़े मियां छोटे मियां का ट्रेलर है, लेकिन कुछ लोग जबरदस्ती क्रिटिसाइज करेंगे ये हो गया वो हो गया नहीं नहीं। तो भाई साहब वेट तो करो थोड़ा, ट्रेलर अभी आया, आप फिल्म तो देखो। हाँ फिल्म आने के बाद अपने सही से ओपिनियंस देना बनता है, आप फिल्म के आने से पहले ही ट्रेलर की माफ है नहीं कर देते हो कि जिसने जिस बेचारे ने फिल्म देखनी है वो देख ही नहीं पा रहा, इवन कि फैंस कंफ्यूज हो जाते हैं हम फिल्म देखे या नहीं। एटलीस्ट भाई साहब फैंस को तो देखना चाहिए, या जो भी हो जाए ऐसी फिल्म्स, फ्यूचर वाली फिल्म्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसमें अप्लाई हो ये देखनी है। अगर ये भी नहीं देखोगे तो भाई साहब फ्यूचर में फिर आपको क्या मिलेगा? भाई साहब वही मिलेगा जो मिलता आ रहा है, कोई अपग्रेडिंग नहीं होने वाली है। बाकी भाई साहब मुझे पूरा बिलीव है इस डायरेक्टर पर कि इस डायरेक्टर ने अगर तो भाई साहब इस चीज को चूज किया है तो जरूर फिल्म में हमें बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स एंड कमाल का कुछ देखने को मिलेगा। तो मुझे तो बहुत भाई साहब वेट है, कोई जो मर्जी बोले भाई साहब हम तो देखेंगे देखकर भाई साहब, और मुझे बिलीव है कि कमाल होगी और भाई साहब रिव्यू भी करेंगे, कोई हमें ऐसा नहीं है कि ये हो गया वो हो गया। फिलहाल के लिए इतना ही, व्यूज कम है तो कोई बात नहीं, क्या होगा ओपनिंग कम लगेगी लेकिन रिव्यूज अच्छे आ गए, ओपनिंग ऑटोमेटिकली ज्यादा होगी। लॉन्ग वीकेंड है, वेडनेसडे को रिलीज हो रही है, थर्सडे पर ईद है, थर्सडे को तबाही अगर रिव्यूज अच्छे आए, फ्राइडे को डाउन, सैटरडे संडे फिर तबाही, नो डाउट अबाउट इट। अभी तक के लिए इतना ही, होप सबको वीडियो पसंद आएगा, तो पसंद वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।